Hey everyone, I welcome you all to the Sahas Institute of Commerce. Accounting for Share Capital वाले chapter में आज के session में हम लोग discuss करने वाले हैं topic call in arrears. और ये जो topic है उसमें से theoretical point भी कुछ काम का है और इसके साथ साथ example के अंदर भी ये call in arrears के topic के आने के chances काफी ज्यादा है, तो इसको हमें ध्यान से समझना है. सबसे पहले ये समझो कि call in arrears होता क्या है. तो कंपनी जब अपने शेयर के ऊपर कोई कॉल के पैसे मंगवाती है, पर सपोज कोई शेयर होल्डर वो कॉल के पैसे नहीं पे करता है, तो कंपनी को जो पैसे नहीं मिलते हैं कॉल के, उसको कहा जाएगा कॉल इन एरियर्स. मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूं. फॉर एग्जांपल, साहस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इसने 10,000 शेयर पब्लिक को इश्यू किए थे. अब ये 10,000 शेयर के ऊपर कंपनी फॉर एग्जाम्पल अपने कॉल के 3 रुपए मंगवाती है, पर उसमें से एक शेयर होल्डर है मिस्टर बी, जिसके पास कंपनी के 100 शेयर है, पर ये मिस्टर बी ने कंपनी ने जो 3 रुपए मंगवाए पर शेयर, यानी कि टोटल हो जाते उसके 300 रुपए, वो कंपनी को नहीं पे किए. तो ये जो 300 रुपए कंपनी को नहीं मिले कोई शेयर होल्डर के पास से, उसको कहा जाएगा कॉल इन एरियर्स. और ये अमाउंट को, यानी कि जो पैसे कंपनी को नहीं मिले, वो कंपनी कॉल इन एरियर्स अकाउंट में ट्रांसफर करेगी. तो यहां पे देखो क्या लिखा है, व्हेन शेयर होल्डर फेल्स टू पे द मनी कॉल्ड बाय द कंपनी. कंपनी ने जो पैसे मंगवाए हैं शेयर होल्डर वो पे करने में फेल हो जाए, मतलब ना पे करे, देन द अमाउंट नॉट रिसीव्ड बाय द कंपनी. अभी हमारे एग्जांपल में देखा कि मिस्टर ली ने 300 रुपए नहीं पे किए, मींस द अमाउंट व्हिच इज नॉट रिसीव्ड बाय द कंपनी इज ट्रांसफर टू कॉल इन एरियर्स अकाउंट. एंड द बैलेंस ऑफ कॉल इन एरियर्स अकाउंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है फॉर एमसीक्यू और वीएसक्यू, is shown in the balance sheet liability side as a deduction from subscribed capital. यानी कि जो share capital वाला part होगा, उसमें से call in arrears को minus किया जाएगा. Company की subscribed capital balance sheet में liability side पे shareholder fund, ये title के अंदर में लिखी जाती है share capital. और वो share capital में से ये call in arrears को क्या किया जाता है, deduct. deduct यानी कि माइनस. दैट मींस द बैलेंस ऑफ कॉल इन एरियर्स इज शोन इन द बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड एज अ डिडक्शन फ्रॉम सब्सक्राइब्ड कैपिटल. एंड एज पर टेबल एफ ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, याद रखना टेबल एफ का प्रोविजन है. ये क्या कहता है, कंपनी कैन चार्ज मैक्सिमम 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर्स. मतलब कि यहाँ पे मिस्टर बी जो शेयर होल्डर है उसने कंपनी को कॉल नहीं पे किया, तो कंपनी इसके ऊपर, मतलब कि जो पैसा कंपनी को शेयर होल्डर के पास से नहीं मिला, उसके ऊपर पर एनम 10% तक का इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है. मतलब 10% या उससे कम, 10% से ज्यादा इंटरेस्ट कंपनी चार्ज नहीं कर सकती. एंड इफ द डायरेक्टर्स विश दे कैन वेव का मतलब होता है कैंसल सच इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर्स. मतलब कि फॉर एग्जांपल साहस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर के ऊपर जो मिस्टर बी शेयर होल्डर है, उन्होंने अपना 300 रुपए का कॉल का जो मनी है वो पे नहीं किया, तो यहाँ पे कंपनी मिस्टर बी के पास से ये 300 रुपए जो कॉल इन एरियर्स के है, उसके ऊपर पर एनम 10% तक इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है. पर अगर कंपनी के डायरेक्टर्स अगर चाहते हैं तो वो ये इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर्स को वेव या कैंसिल भी कर सकते हैं. मतलब ठीक है, आपकी परेशानी जेन्युइन थी, हम समझते हैं. हो सकता है सर लॉकडाउन की वजह से आपके पास पैसे ना हो और आप नहीं पे कर पाए, ठीक है, हम आपके पास से इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे. तो यहाँ पे डायरेक्टर्स अगर चाहे तो ये इंटरेस्ट को कैंसिल कर सकते हैं. बट ये 10% वाला याद रखना एमसीक्यू के लिए, कॉल इन एरियर्स पे कंपनी 10% पर अनम तक इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है. अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आ गए हम लोग, जर्नल एंट्रीज फॉर कॉल इन एरियर्स. अब यहां पे कॉल इन एरियर्स की ट्रीटमेंट डालने की दो मेथड है, दो ऑप्शन हम सिलेक्ट कर सकते हैं. नंबर वन, विदाउट ओपनिंग कॉल इन एरियर्स अकाउंट, मतलब हम कॉल इन एरियर्स अकाउंट ओपन ही नहीं करते हैं. या तो फिर सेकंड ऑप्शन, विथ ओपनिंग कॉल इन एरियर्स अकाउंट. दोनों में से कोई भी मेथड को आप फॉलो करो, दोनों से आपके आंसर सही ही रहेंगे.
ठीक है, मतलब आपको जो कन्वीनियंट होता है वो फॉलो कर सकते हो, दोनों के हिसाब से सॉल्यूशन को 100% करेक्ट माना जाएगा। मैं यहां पे आपको दोनों समझाऊंगा। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं विदाउट ओपनिंग कॉल इन एरियर्स, मतलब यहां पे कॉल इन एरियर्स अकाउंट क्रिएट नहीं किया जाएगा। अब हम सिचुएशन समझते हैं कि कॉल इन एरियर्स है क्या। तो कंपनी ने, हमने अभी जो एग्जांपल लिया वही मैं लेता हूं कि 10,000 शेयर पब्लिक को इश्यू किए थे साहस इंडस्ट्रीज ने, उसके ऊपर कंपनी ने 3 रुपए का कॉल सबके पास से मंगवाया, 10,000 शेयर होल्डर्स के पास से, कहा कि आप 3 रुपए का कॉल यानी कि इंस्टॉलमेंट दे दो। ठीक है, तो जब कंपनी कॉल करेगी यानी कि इंस्टॉलमेंट के पैसे मंगवाएगी, उस वक्त वो कॉल को इक्विटी से कैपिटल में ट्रांसफर करने वाली एंट्री होती है। जब मनी कंपनी डिमांड करती है तो ये कैपिटल अकाउंट में, शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने वाली एंट्री रहेगी। और उस वक्त कंपनी को नहीं पता है कि कोई शेयर होल्डर पैसा नहीं देगा या कौन से शेयर होल्डर्स पैसा दे देंगे, क्योंकि अभी तो कंपनी पैसों की डिमांड कर रही थी, आप 10,000 शेयर होल्डर्स कंपनी को पैसे दे देना। और उस वक्त जब कंपनी डिमांड कर रही है, उस वक्त कंपनी को थोड़ी पता होगा कि कौन सा शेयर होल्डर पैसा नहीं देगा, इसलिए जो डिमांड करने वाली एंट्री है उसमें तो सारे शेयर्स के ऊपर कंपनी डिमांड करेगी। तो यहां पे क्या होगा, इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये हमने प्रीवियस जो जर्नल एंट्री वाला सेशन देखा था उसके अंदर भी आ गया था कि जब कंपनी कॉल के पैसे डिमांड करती है या तो फिर कॉल के पैसे इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होते हैं, एंट्री क्या रहेगी, इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब ये दोनों मेथड में सेम एंट्री ही रहेगी। देखो, आप कॉल इन एरियर्स अकाउंट ओपन भी करते हो तो भी ये पैसा डिमांड करने वाली एंट्री में कोई चेंज नहीं रहेगा। मतलब जब कंपनी पैसे डिमांड करती है तो आप विदाउट ओपनिंग कॉल इन एरियर्स में जाओ या विद ओपनिंग कॉल इन एरियर्स में जाओ, दोनों में एंट्री सेम रहेगी, इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, नंबर ऑफ शेयर इनटू अमाउंट कॉल्ड पर शेयर। अब कंपनी को पैसा मिलेगा और यहां पैसा हो रहा है कि कोई शेयर होल्डर वो पैसा नहीं दे रहा है, जैसा हमने एग्जांपल में लिया था कि कंपनी ने 10,000 शेयर पे पैसे मंगवाए पर उसमें से मिस्टर बी के जिनके पास 300 शेयर थे वो कंपनी को पैसा नहीं देता है। तो यहां पे हमारा ऑप्शन है विदाउट ओपनिंग कॉल इन एरियर्स, तो कॉल इन एरियर्स नहीं आएगा। तो कंपनी को जब पैसे मिलते हैं उसकी जर्नल एंट्री क्या थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट, बस उसी से हम एंट्री पास कर देंगे। क्या एंट्री आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट, जितने शेयर पे पैसे मिले होंगे वो अमाउंट एंट्री में हम लिखेंगे। यानी कि यहां पे हमने जो एग्जांपल लिया जिसमें कंपनी ने 10,000 शेयर पे पैसे मंगवाए पर उसमें से 300 शेयर पर पैसे नहीं मिले, मतलब कंपनी को 9,700 शेयर पे, 9,700 शेयर पे 3 रुपए मिल गए। तो 9,700 इंटू 3 रुपीज करके जो अमाउंट होगी वही अमाउंट हम इस एंट्री में लिखेंगे, क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट। पर अगर हमने कॉल इन एरियर्स अकाउंट बनाया है तो फिर हमें ये कॉल इन एरियर्स यानी कि कितने रुपए नहीं मिले हैं उसकी भी एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो उस वक्त हम जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे, तो जो पैसे मिले हैं वो जाएंगे बैंक अकाउंट में। देखो, बैंक अकाउंट डेबिट कितनी अमाउंट होगी, जितने पैसे मिले होंगे उतनी, कितने पैसे मिले होंगे तो 10,000 में से 300 शेयर पे पैसे नहीं मिले, तो बाकी के 9,700 शेयर पे 3 रुपए, तो 9,700 इंटू 3 करके जो अमाउंट आएगी वो बैंक अकाउंट डेबिट, जो पैसे नहीं मिले वो कॉल इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, कितने पैसे नहीं मिले तो कंपनी को 300 शेयर पे 3 रुपए जो मंगवाए थे वो नहीं मिले, तो 300 शेयर इंटू 3 रुपीज यानी कि 900, और ये टोटल अमाउंट चली जाएगी इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट में। देखो, आपको अमाउंट ये क्रैम नहीं कर देनी है, अमाउंट एग्जांपल टू एग्जांपल चेंज होगी। तो क्या एंट्री होगी, अगर हमने कॉल इन एरियर्स अकाउंट ओपन किया है, पैसे मिलेंगे पर कोई शेयर के ऊपर पैसे इसमें से नहीं आने वाले हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट, जितने शेयर पे पैसे मिले होंगे वो अमाउंट, कॉल इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, जितने शेयर पे पैसे नहीं मिले होंगे वो यहां पे डेबिट होगा, और ये टोटल अमाउंट क्रेडिट हो जाएगी टू इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट। और फाइनली बाद में जाके वो कॉल इन एरियर्स का पैसा मिल जाता है, तो पैसा मिल जाता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू
इक्विटी से कॉल अकाउंट, क्योंकि ऊपर हमने कॉल इन एरियर्स अकाउंट बना ही नहीं था, इसलिए इक्विटी से कॉल अकाउंट भी कम अमाउंट से क्रेडिट किया था। तो यहां पे जब हमें फ्यूचर में पैसा मिल जाएगा तो हम एंट्री लिख देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी सेल कॉल अकाउंट, अब वो फर्स्ट कॉल हो या फाइनल कॉल हो जो भी हो। और अगर हमने कॉल इन एरियर्स अकाउंट बनाया होगा तो ऑब्वियस है कि हमने कॉल इन एरियर्स अकाउंट को डेबिट किया था, अब वो पैसे हमको मिल गए तो ऑब्वियस है कि वो कॉल इन एरियर्स अकाउंट को क्रेडिट करके उसको बंद कर देंगे। तो पैसे मिलेंगे तब बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एरियर्स अकाउंट, जो हमने पहले डेबिट किया था उसको अब हम क्रेडिट कर देंगे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। मैं क्विकली एक बार फिर से प्रॉपर रिवाइज करवा देता हूं। सबसे पहले कंपनी कॉल के पैसे मंगवाती है तो दोनों ऑप्शन विदाउट ओपनिंग या विथ ओपनिंग दोनों में सेम रहेगा क्या, इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर जब कंपनी को एक्चुअली में पैसे मिलते हैं और उसमें से कोई शेयर होल्डर ऐसा है जो अपने शेयर के ऊपर पैसे नहीं देता है, मतलब कंपनी को कुछ कम पैसे मिलेंगे यानी कि कॉल इन एरियर्स होगा, तो विदाउट ओपनिंग कॉल इन एरियर्स वाले में एंट्री क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट, जितनी अमाउंट मिली होगी उसी से। पर अगर विथ ओपनिंग कॉल इन एरियर्स अकाउंट है तो यहां पे हमें कॉल इन एरियर्स अकाउंट भी बनाना होगा और एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट जितने पैसे मिले होंगे वो, कॉल इन एरियर्स अकाउंट डेबिट जो शेयर पे पैसे नहीं मिले होंगे वो, एंड टू इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट। और लास्ट में चल के जब वो एरियर्स के पैसे मिल जाएंगे तो क्या एंट्री होगी, विदाउट ओपनिंग वाले में बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट और विथ ओपनिंग कॉल इन एरियर्स वाले में बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एरियर्स अकाउंट। यहाँ पे हमारा ये सेशन खत्म हो रहा है, इसको अच्छे से माइंड में फिट कर लो। पैम्पलेट जो आपको प्रोवाइड किया है उसमें इसको अच्छे से रिफर करके अपनी नोटबुक में एक बार लिख लीजिए, एंड आई एम श्योर कि आपको ये पूरा टॉपिक क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। इसको अच्छे से याद रखना, एंड टिल देन गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।